हेलो एंड वेलकम टू जूम वीकेंड शो। इस हफ्ते की बॉलीवुड रिलीज है भैया जी सुपरहिट, जिसके डायरेक्टर हैं नीरज पाठक और प्रोड्यूसर हैं चिराग धारीवाल। एक्शन कॉमेडी है और क्योंकि सनी देओल की फिल्म है तो टारगेट ऑडियंस है उनके डेडिकेटेड फैंस और सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर्स। तो सनी जी के फैंस को मैं साफ साफ बता दूँ, आपको तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारे एक्शन और फाइटिंग सीक्वेंसेज हैं, सनी देओल ही सनी देओल है पूरी मूवी में, बड़ा माचो दिखाया है उनको। तो आप फैंस टिकट खरीदिए, फिल्म देखिए और एंजॉय करिए। नाउ टॉकिंग टू द लेट्स से नॉट सो डाई हार्ट फैंस, दिमाग घर पर छोड़ के जाइए थिएटर में अगर आप देखने वाले हैं। तो स्टोरी में लॉजिक नहीं है और एक्शन डायरेक्शन में तो फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाएंगे। और इतना फोर्स्ड ड्रामा फिल्म में या तो ओवर एक्टिंग है या एवरेज एक्टिंग है। हाईलाइट तो बस सेट्स हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, बड़े हरे भरे गार्डन्स हैं, खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स हैं, जोक्स तो सिर के ऊपर से जाएंगे, गाने कुछ खास नहीं हैं। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूपी के डॉन भैया जी पर है, जिनको कोशिश तो की है बहुत माचो दिखाने की पर वैसे निकल के आया नहीं स्क्रीन पर। तो फाइनल वर्डिक्ट, भैया जी सुपरहिट बॉर्डरलाइन एवरेज फिल्म है। सनी देओल को निकाल ले तो फिल्म में कुछ बचता ही नहीं है। मैं इस मूवी को देती हूँ 5 में से 2.5 किलो स्टार्स। फिलहाल वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग जूम।